अध्याय दो। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो गृहस्थ परिश्रम करता है फलकांश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और एक ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हुमिनयुस और फिलेतुस सुनी में से हैं जो ये कहकर कि पुनर्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, तो भी परमेश्वर की पक्की नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए।